हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कड़ा प्रसाद के बारे में। आप सब लोग गुरुद्वारे गए होंगे, गुरुद्वारे में जाके आप सब ने कड़ा प्रसाद खाया होगा, लेकिन किसी ने आज तक कभी बात नहीं की कड़ा प्रसाद के फायदों के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कड़ा प्रसाद के फायदे क्या हैं, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। कड़ा प्रसाद इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका वीट फ्लार, गेहूं का फ्लार, गेहूं का आटा। दूसरा है आपका देसी घी। तीसरा है आपका शुगर। गेहूं का आटा, गेहूं का आटा इज फुल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की भरमार है उसके अंदर। उसी के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपकी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता गेहूं का आटा। तीसरा जो गेहूं के फायदे हैं, गेहूं में फाइबर बहुत है। फाइबर आपके गट की हेल्थ के लिए, आपके दिल की हेल्थ के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और गेहूं के अंदर कुछ फैट भी है। अब जब फैट आपको सुनता है तो आप घबरा जाएंगे, आप बोलेंगे ये फैट, ओ माय गॉड, ये तो टैबू है, फैट तो हमें खाना ही नहीं है। लेकिन फैट अपने आप में एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमें फैट की ज़रूरत है, हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिंस को स्टोर करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत है, हमारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत है, हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स के लिए हमें फैट की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ जो उसका नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है कड़ा प्रसाद का, वो है आपका देसी घी, जो कि हम लोगों ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। देसी घी आपके बॉडी में इतने फ़ायदे देता है, आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। दो देसी घी है वो फुली लोडेड है, फुली लोडेड है आपके विटामिन ए डी ई के साथ। उसी के साथ साथ आपकी मसल्स के लिए, आपके पूरे एंटायर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है देसी घी। और मैं आपको ना आज जो एज की गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं, वो बोलती हैं कि फैट खाना चाहिए, लेकिन अगर खा रहे हैं सैचुरेटेड फैट, जिसमें कि देसी घी में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका वो लेस देन 10% है एवरीडे का, कोई दिक्कत ही नहीं है, खाइए आप। तीसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है आपका शुगर, मीठा, टेबल शुगर। वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है हमें हर दिन का 5 से 10 टीस्पून शुगर हम खा सकते हैं, और एक टीस्पून जो शुगर होती है वो होती है समवेयर अराउंड 5 ग्राम की। तो मैं नहीं बोलूंगा आप इतनी शुगर खाइए, लेकिन प्रसाद को अगर हम खाएं प्रसाद के तरीके से तो उसके बड़े फायदे हैं, हमें भर भर के नहीं, पेट नहीं भरना है उससे। तो इसी के अलावा जो सबसे मेन चीज है जो कड़ा प्रसाद के बारे में मैं कहूंगा, जिस बर्तन में, जिस यूटेंसिल में इसको बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं जो बर्तन है वो बर्तन जो है अपने आप में ही एक, मैं बोलूंगा, अलग ही आविष्कार है हमारे गुरु महाराज का, जिसको हम बोलते हैं सर्बलो, जो कि आपके प्रसाद के अंदर हल्का सा आयरन भी डाल देती है। इसलिए बोलते हैं जो प्रसाद खाएगा वो तंदुरुस्त और स्ट्रांग रहेगा। इसका जो कारण है वो आयरन है, जो कि उस बर्तन सर्बलो से जाता है आपके प्रसाद के अंदर। ये तो मैंने बताया कुछ आपको साइंटिफिक फैक्ट्स प्रसाद के बारे में, लेकिन अगर मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, ये प्रसाद खा के तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, तो उसके तो कुछ कहने ही नहीं है। गुरु महाराज की पूरी कृपा है उस प्रसाद के अंदर, और इसलिए ही लोग दूर दूर से हरबंदर साहेब, बिदर, नांदेड़, हजूर साहेब, आपका गुरुद्वारा बंगला साहेब जाया करते हैं और प्रसाद खाया करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो कड़ा प्रसाद के ऊपर। अगर कोई गलती कर दी हो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग कड़ा प्रसाद के बारे में जान पाएँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।